बोले बाला जी महाराज की, और दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना सारे जहां की रक्षा श्री राम जी करे, और राम जी की रक्षा हनुमान करे। जय राम जी के साथ हनुमान ना होते तो राम जी के कभी बुरे ना होते। और बालाजी महाराज के एक हाथ में घोटा है और दूसरे में घोटा कुबेर भगवान ने दिया कि प्रभु जिस पर प्रेम से रख दोगे उसके घर से कभी लक्ष्मी जाएगी नहीं, और जिस पर जोर से रख दोगे उसके घर कभी लक्ष्मी आएगी नहीं। और सोटा सोटा हमारे पड़ोसियों के, अरे घर के आसपास वालों की बात नहीं कर रहा मैं, जो हमारे बॉर्डर के आसपास बैठे हैं, जो आसपास ये हमले होते हैं ये सब उनके लिए, उन सबको डर रहता है कि अगर बालाजी महाराज ने सोटा चला दिया तो लंका की तरफ उड़ते हुए जाएंगे। एक बार जयकारे लगे बोलो बालाजी महाराज की। लाल लंगोटो हाथ में घोटो, थारी जय हो पवन कुमार, मैं वारी जाऊं बालाजी थारी, जय हो पवन कुमार मैं वारी जाऊं बालाजी। कौन कौन मानता बालाजी महाराज को, वो उठा लेना लंबे लंबे हाथ और कहना सारे मिलकर लाल लंगोटो हाथ में घोटो, 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 थारी जय हो पवन कुमार। ऐसे बात नहीं बनेगी, एक बार उठा लो लंबे लंबे हाथ, एक बार ताले की सेवानी चाहिए। साला सरदार काम बन्यो है, मेहंदीपुर तारो काम बन्यो है, मेहंदीपुर तारो काम बन्यो है, साला सरदार काम बन्यो है, मेहंदीपुर तारो काम बन्यो है, आवे भगत अपार। आवे भगत अपार मैं वारी जाऊं बालाजी थारी, जय हो पवन कुमार मैं वारी जाऊं बालाजी। और जीना दे हाथ थल्ले मतलब नीचे, उनको कुछ नहीं पड़ता बल्ले, लेकिन जीना दे हाथ ऊपर उड़ा दी बल्ले बल्ले, तो उठा लो लंबे लंबे आज बालाजी की मौज से बल्ले बल्ले करते हैं। एक अदो अधीन नारियल चढ़ता चूरमा, नारियल चढ़ता चूरमा, नारियल चढ़ता चूरमा। बालाजी महाराज के दरबार में तीन चीजें चढ़ती है, ध्वजा नारियल और चूरमा। चूरमा किस किस को बनाना आता है, अरे क्या बात है, तो ताली भी बजनी चाहिए अगर आता बनाना, वरना हमारे कुरुक्षेत्र में पूछ लो जो नई ब्याही आती है ना उससे पूछ लो कि क्या बनाना आता है, वो कहते हैं किचन में जाकर मुझे तो पसीना आता है, किचन में जाके तो मुझे थकावट आती है और कुछ नहीं आता, इसलिए जब भी आओ तो चूरमा तो सीख लेना, और कभी किसी शाम प्रेमी के घर शादी होए तो उसके लिए तो पक्का सीख लेना। क्यों
बजा नारियल चढ़ खजूर मां, नारियल चढ़ खजूर मां, सिर पे छतर हजार झंडा कौन कौन लहराएगा वो हाथ उठाना। आज ये मत समझना कि ये हाथ है, आज ये समझना ये बालाजी महाराज के हाथों की ध्वजा है। बिल्कुल सीधे उठाकर एक बार हाथों को लहरा देना बालाजी महाराज के लिए। कहते लहर लहर लहराए रे, लहर लहर लहराए रे, ओ झंडा बजरंगली बजरंगबली का झंडा, बजरंगबली का झंडा, बजरंगबली का बजरंगबली का झंडा, बजरंगबली का बजरंगबली का झंडा, बजरंगबली का लहर लहर लहराए रे, लहर लहर लहराए रे, ओ झंडा बजरंगबली का लहर झंडा लंका में पहुंचा, लहर लहर झंडा लंका में पहुंचा, लहर लहर झंडा लंका में पहुंचा, लहर लहर झंडा लंका में पहुंचा। लंका में पहुंच कर क्या किया, रावण की, रावण की, रावण की लंका जलाए रे, रावण की लंका जलाए रे, ओ झंडा बजरंग बली बात नहीं बनेगी। एक बार उठा लो लंबे लंबे आजो बालाजी महाराज को मानते हैं और तालियों की सेवा ने किए जयकारे के साथ कौन सर सर धाम की। लहर झंडा हरियाणा में आया, लहर लहर झंडा हरियाणा में आया, लहर लहर झंडा हरियाणा में आया, लहर लहर झंडा हरियाणा में आया, हरियाणा में आया, हरियाणा में आया, हरियाणा में आया, हरियाणा में आया। हरियाणा में आकर क्या किया, क्या किया, तालियों की आवाज आनी चाहिए। अगर अभी भी ठंड लग रही है तो क्या भाई, कीर्तन एक रात का है, क्या पता फिर कब होगा, है ना। हरियाणा में आकर क्या किया जरा सुनना। अरे भक्तों की, भक्तों की, भक्तों की बेड़ी बनाए, भक्तों की बेड़ी बनाए रे, ओ झंडा बजरंग बली का, भक्तों की बेड़ी बनाए रे, झंडा बजरंग बली का, लहर 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 कितने प्रेमी गए हो और कितने नहीं गए, कितने नहीं गए जाना चाहते हो। अभी मंदिर बंद है, जब मंदिर खुलेगा तभी जाना पड़ेगा, बहुत जल्दी खुलने वाला है। जब हम खाटू श्याम जी जाते हैं तो पहले सालासर जाते हैं, उसके बाद बाबा के दरबार जाते हैं। आज का कीर्तन की शुरुआत भी वैसे करते हैं, बालाजी महाराज को मनाया, अब यही से बाबा श्याम के चरणों में चलते हैं। एक बार महामंत्र का जाप करेंगे, उठाना लंबे लंबे हाथ, बाबा श्याम के चरणों में अर्जी लगाते चलेंगे। बिल्कुल सीधे सीधा तो क्या ना, ओम श्री श्याम देवाय नमः, 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 ओम श्री श्याम
जगत चढ़ दी कुमारी तेरे नाम की तप पर मन ही संसार की इसके दरबार में आने के बाद किस चीज की मौज हुई है सिर्फ वो हाथ डाला अगर मौज हुई है तो मैं बोलूंगा खट्टू वाले श्याम जी आप बोलना कमाल हो गया मैं बोलूंगा बंदा तेरा पापा आप बोलना माला माल हो गया बोलोगे कौन और बोलेगा अरे खट्टू वाले श्याम जी बंदा तेरा पापा अरे खट्टू वाले श्याम जी बंदा तेरा पापा जग चढ़ दे कुमारी तेरे नाम की तब पर मन ही संसार की कुमारी तेरे नाम की अब पर मन ही संसार ऐसे बात नहीं बनेगी उठा लो लंबे लंबे हाथ अगर कमाल आपके साथ होने वाला है बिल्कुल सीधे सीधे हाथ एक दो तीन चार खाटू जाने के लिए तैयार रहता है खाटू जाने के लिए तैयार रहता है कैसे तैयार रहता है जब मंदिर खुल जाएगा ना जब मंदिर खुल जाएगा उसके बाद जैसे भीड़ बढ़ेगी अगर आप डेली कीर्तनों में जा रहे हो तो एक दो दिन के बाद पड़ोसी छेड़ने लग जाएगा कि भाई डेली कहाँ जाता है 8 बजे दुकान बंद करके चला जाता है दुकानदारी कौन संभालेगा तो हमारा जवाब होगा कि कीर्तनों में जाते हैं एक दो दिन तो और देखेगा एक हफ्ते बाद करेगा भाई मैं ना खाटू जा रहा हूं साथ में चलेगा क्या और हमारे वाले श्याम प्रेमी पता क्या कहेगा घरवाली को मोहन मिलाएगा अरे दो जोड़ी कुर्ता पजामा पैक कर दी अब घरवाली बोलेगी सुबह तक कोई प्लान नहीं था कहाँ जाना है बोला वो पड़ोसी बोला था खाटू जी जाने तो थोड़ा काम अपना बनवाया होगा तो जोड़ी बस पैक कर दी इससे पता क्या पता लगता है अरे खाटू जाने के लिए तैयार रहता है खाटू जाने के लिए तैयार रहता है तुमने सोचो बार जैसी शाम कहता है प्रेमियों से सांवरे की बातें करता है प्रेमियों से सांवरे की बातें करता है खाटू जाने के लिए तैयार करता है निशान यात्रा हुई ना पता लगा कब शुरू हुई और कब खत्म हुई पता लगा किलोमीटर की गिनती वो करता नहीं किलोमीटर की गिनती वो करता नहीं आधी तूफान से बाबा वो डरता नहीं आधी तूफान से बाबा वो डरता नहीं जिन्हें दुखता है बाबा श्याम हो उन पर बाबला किस बात की खाटू वाले श्याम जी कमाल हो गया खाटू वाले श्याम जी कमाल हो गया और बंदा तेरा बाबा माला माल हो गया बंदा तेरा बाबा माला माल हो गया कुमारी तेरे नाम की तप पर मन ही संसार की ऐसे बात नहीं बनेगी उठा लो लंबे लंबे आज 2 मिनट के लिए बाबा शाम के महामंत्र का जाप करेंगे बिल्कुल सीधे सीधे हाथ मैं आपको नहीं देखूंगा लेकिन बाबा देख रहा है इसलिए कहना बाबा को कि बाबा अरे ओम श्री श्याम तेरे वाय नमः ओम श्री श्याम तेरे वाय नमः ओम श्री श्याम तेरे वाय
बालाजी महाराज।